रानीगंज के बांसड़ा कोलियरी इलाके में रविवार की शाम दिवंगत श्रमिक नेता ब्रिजभान काहार की स्मरण सभा आयोजित की गई। सभा में पहुंचे सीपीएम के जिला सचिव गौरांग चैटर्जी व रानीगंज के सीपीएम विधायक रुनु दत्ता समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने दिवंगत ब्रिजभान काहार की तस्वीर पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला सचिव गौरांग चैटर्जी ने कहा कि दिवंगत ब्रिजभान काहार ने मजदूरों के अधिकार एवं उनके हक के लिए आवाज बुलंद की। मजदूरों को जिस तरह की समस्याओं एवं तकलीफों का सामना करना पड़ता है उसके खिलाफ आंदोलन किया था। इस तरह के मजदूर नेता बहुत कम ही तैयार हो पाते हैं। ऐसे नेताओं के निधन से सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पार्टी को भी बड़ी क्षति होती है। ब्रिजभान जो हमारा कॉमरेड है, ब्रिजभान सिर्फ मेहनत मजदूर नहीं था। हम लोग खबर में स्लोगन देते हैं कि मेहनत मजदूर जिंदाबाद, मेहनत मजदूर जिंदाबाद बोलने चलता नहीं। मेहनत मजदूर को, मेहनती मजदूर को राजनीतिक सचेतन होने पड़ता है। और इसीलिए तो जब किसी कॉलोनी में हमारा कोई कॉमरेड, कोई लीडर जब काम करते हैं तब तो हम लोग पूरा ध्यान से देखते हैं कि ये जो लीडर है, ये लीडर जो है, ये लीडर राजनीतिक रूप से कितना सचेतन है। हमारा ब्रिजभान जैसा कॉमरेड, ब्रिजभान सिर्फ मेहनत मजदूर नहीं थे, ब्रिजभान एक पॉलिटिकल एजुकेटेड, राजनीतिक रूप से सचेतन एक मजदूर था। और इसका चलते उनको ये समझदारी आ गया था कि हमारा कोयला उद्योग का मजदूर का, सिर्फ कोयला उद्योग का मजदूर का नहीं, बाकी दुनिया का मजदूर का भी जिस तरह से जो दुख तकलीफ सहने पड़ते हैं, इस दुख तकलीफ से मजदूर को निकालने के लिए उसको किस रास्ता पे, किस दिशा में ले जाने पड़ता है, इस तरह का एक मजदूर नेता पैदा करना बहुत मुश्किल का बात है। विधायक रुनु दत्ता ने रानीगंज व जमुड़िया को मिलाकर रानीगंज को नया महकमा बनाए जाने की मांग करते हुए कहा कि जिस तेज गति से आबादी बढ़ रही है उससे प्रशासन पर काम का दबाव बढ़ रहा है। इस अवसर पर श्रमिक नेता किशोर घटक, अमर सिंह भी उपस्थित थे। দূরে যেতে হবে না, প্রশাসনই মানুষের কাছে আসবে। তার জন্য আমাদের সময় বামপন্থী আমলে হচ্ছে যে তৈরি হয়েছিল জেলাগুলোকে ছোট করা, না করে জেলা, এই যে পশ্চিম বর্ধমান, আপনি জেলা অফিসে যান, রানীগঞ্জ বিডিওতে যান, বলে বর্ধমান এই আসানসোল চলবে, এখানে এই কাজটা হয় না, জেলায় হয়, জেলায় যান, দেখবেন অফিসার নেই, এখনো পোস্টেড হয়নি, এখনো পূর্ব বর্ধমানে যেতে হবে কাজটা করাতে। আমরা বলছি কেন রানীগঞ্জ জামুড়িয়াতে নয়, রানীগঞ্জ জামুড়িয়া আসানসোল হচ্ছে কম কি, মানুষের হচ্ছে যে লোক সংখ্যা বাড়ছে, মানুষ বাড়ছে, আসানসোলের উপর চাপ সৃষ্টি না করে কেন জেলা করা হবে না, মহকুমা করা হবে না। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।